नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर में एक जनसभा को संबोधित किया। माना यह जा रहा था कि प्रियंका गांधी सिंधिया के गढ़ में सिंधिया पर धावा बोलेंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो 10 मिनट तक सिंधिया पर बात कर सकती हैं, लेकिन इसके विपरीत बात वो जनता से जुड़े मुद्दों पर करेंगी, यानी बेरोजगारी पर बात करेंगी, महंगाई पर बात करेंगी वगैरह वगैरह। अपने भाषण के अंत में आते आते प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी की जो 5 गारंटीज हैं उसके बारे में भी जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने बात कही ओल्ड पेंशन स्कीम की, उसके बाद उन्होंने कहा कि हर महिला के खाते में हर महीने 1500 रुपए डाले जाएंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे दिया जाएगा, 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। अंत में प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो किसान कर्ज माफी का वादा किया था, जो अधूरा रह गया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी, उसे फिर से पूरा किया जाएगा। तो प्रियंका गांधी की ये जो भाषण था, जो प्रियंका गांधी का ये मध्य प्रदेश का दौरा था, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो उन्होंने कोई बात नहीं की उसका क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह, जो कि राज्यसभा के सदस्य भी हैं और उसी क्षेत्र से आते भी हैं, उनका इस रैली में कोई भाषण नहीं हुआ, इसका क्या अर्थ है? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ और प्रियंका गांधी के इस भाषण को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो ये बताइए, जो आज का भाषण रहा प्रियंका गांधी जी का, वो उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, बहुत इम्प्रेसिव सा भाषण था और लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने। उन्हीं की भाषा में उन्होंने राम राम करी, तो उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व है या आप उसको जो भी नाम दें वो भी नजर आया। उन्होंने ग्वालियर से कुछ दूर पर दतिया है, वहाँ पीताम्बरा पीठ का बहुत माना हुआ मंदिर है देवी का, उसके बारे में जिक्र किया। लक्ष्मीबाई के बारे में उसी पैराग्राफ में जिक्र किया और लोगों से उन्हीं की भाषा में उन्होंने कनेक्ट किया। शुरू में ऐसे ही उन्होंने भाषण का अंत हुआ तब भी कहा, फिर उन्होंने सिंधिया जी पे बड़ा वीर्ड, बड़ा एक कॉशस उन्होंने अटैक किया, बोला भी और नहीं भी बोला। ऐसे उन्होंने मोदी जी के बारे में भी बोला भी और नहीं भी बोला, और दोनों बात में उन्होंने बोला कि मैं नेगेटिव बातें नहीं करूंगी, मैं चाहूं तो मोदी जी के बारे में भी 25 मिनट भाषण कर सकती हूं, लेकिन मैं यहां मुद्दों की बात करूंगी। इससे ये समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस यही लाइन लेना चाहती है कि जो मुद्दे हैं बीजेपी को उन मुद्दों के आसपास रखना चाहती है, जो कि बेरोजगारी का मुद्दा है, जो कि महंगाई का मुद्दा है या जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन्होंने बेरोजगारी की बात करी और पटवारी परीक्षा का जो तथाकथित स्कैंडल है उसके बारे में बात करी। उन्होंने महंगाई के बारे में बात करी कि भाई, और जो लाडली बहना योजना की जो कार्ड समझी जाती है कि हम 1500 रुपये देंगे आपको, बिजली माफ, बिजली हाफ और 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, तो उन्होंने मुद्दों पे बात करी। मतलब ये एक लगातार सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत, ताकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे मुद्दों पे चुनाव को ना ले जा सके, उनको पकड़ भी ना पाए। मतलब कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, तो बड़े फोकस थी वो कि उनको कहाँ बात करनी है, कितनी बात करनी है, शी वॉज वेरी फोकस्ड। अच्छा, एक बात और प्रियंका गांधी ने कहा कि क्योंकि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि जब राजा बहुत लंबे समय तक राज करता है तो उसे अहंकार हो जाता है, और अहंकार जब हो जाता है तो वो किसी की सुनता नहीं है और लोगों के काम नहीं करता है, और जब काम नहीं करता है तो चुनाव आते आते लोगों को मतलब बहलाने फुसलाने की और मुद्दों से भटकाने की कोशिश करता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वो किसी तरीके से ये कॉशन करने चाह रही थी लोगों को कि भाई आने वाले दिनों में इस तरह का कोशिश की जाएगी कि आपको महंगाई बेरोजगारी के बजाय शायद हिंदू मुसलमान या इस तरह के रिलेटेड इश्यूज पे डिस्कोर्स चला जाएगा? हाँ बिल्कुल, कुछ इस तरीके का ही उनकी समझ रही थी कि मैं अपनी बातों पर फोकस रहूं और जनता को याद दिलाती रहूं कि देखिए 18 साल की सरकार है ये, और 18 साल में अहंकार सरकार में आ जाता है या आ गया है। हो सकता हो उनका ये जो है ये जो भाषण का अंश है वो जो अभी पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हुई हैं जिसमें पेशाब कांड भी है, जिसको भी एक अहंकार के तरीके से माना जाता है। बीजेपी के कई ऐसे नेताओं के केसेस आई हैं जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका घर इन्वॉल्वमेंट है, कहीं उसका कॉलेज इन्वॉल्वमेंट है, तो और उसी जगह वो भाषण दे रही थी जहां से कुछ
40-50 किलोमीटर की दूरी पे वो कॉलेज स्थित है जहाँ पर पटवारी का एग्जाम हुआ था, जो कंट्रोवर्शियल कॉलेज है, जहाँ से एनआरआई कॉलेज जी। तो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने ये सारी बातें करी और बहुत फोकस्ड रह के उन्होंने मुद्दों की बात करी और कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को चुनाव तक वो करेगी। अभी जैसे 2018 में जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई थी और जो वापसी हुई थी वो ग्वालियर चंबल डिवीजन के बल पर हुई थी। वहां से जो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता था उसकी वजह से हुई थी और एक बड़ा श्रेय उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ ग्वालियर चंबल माना जाता था और वो एक चेहरा भी थे कमलनाथ के साथ साथ, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री नहीं बने, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो जो आज जो प्रियंका गांधी ने चूज किया ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कोई टिप्पणी ना करने का, उसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, उन्होंने बड़ा सिंबॉलिक सा करा, उन्होंने लक्ष्मीबाई की बात करी, उन्होंने बताया कि मेरी माँ मुझे इंदिरा गांधी जी का नाम लिया कि मेरी दादी मुझे वो कहानी सुनाती थी, उन्होंने उस मंदिर का जिक्र किया, वो लक्ष्मीबाई के समाधि पे गई भी, उन्होंने उनको ट्रिब्यूट्स भी दिए और सिंधिया जी के बारे में बोला भी और नहीं भी बोला जी। तो एक मैंने जैसे कहा कि एक वील तरीके से उनका अटैक था सिंधिया जी पे, उनका कहना था कि मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ लेकिन मैं बोलूंगी नहीं और मैं उन मुद्दों की बात करूंगी जिनसे जनता को कनेक्ट है। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नहीं बोला, क्या ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक पॉपुलर फेस तो ग्वालियर चंबल डिवीजन से रही हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करना क्या एडवर्स इम्पैक्ट भी उसका हो सकता है? हो सकता हो, ये भी उनके दिमाग में रहा हो कि एडवर्स इम्पैक्ट करता है। और उनकी जो शैली है, जैसे मैंने कहा कि वो दाएं बाएं नहीं जाना चाहती थी अपने मुद्दों पे, जो कुछ हुआ है वो तो जनता देख रही है और अभी वहां जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं विद इन बीजेपी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी को वहां बनाया गया है, संयोजक बनाया गया है, वो भी वहीं से हैं, उससे सिंधिया जी ही इफेक्ट होते हैं, सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं बैकग्राउंड में, इसीलिए शायद उन्होंने वो उन चीजों पर ना रह के बड़े फोकस तरीके से उन्होंने उन्हीं मुद्दों की बात करी जिनको वो आगे तक चुनाव में ले जाना चाहते हैं। अच्छा सर, दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो भी उसी इलाके से आते हैं राघोगढ़ से, बगल में ही लगा हुआ है, उन्होंने तैयारियों के दौरान खूब खबरें आई कि दिग्विजय सिंह ने डेरा डाल रखा है ग्वालियर में, वो खूब तैयारियां कर रहे हैं और खूब हुंकार भरी जाएगी, लेकिन आज वो दिखे नहीं, मतलब उनका कोई भाषण नहीं हुआ, कोई कुछ दिखा नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उसको भी इसी नजर से देखता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने तैयारी करी, भीड़ मोबिलाइज करी, एक रैली को ऑर्गेनाइज करने में अपना एक जो उनको रोल दिया गया तो निभाया, लेकिन हाँ, हर कोई ये प्रश्न पूछ रहा है कि उनको बोलने के लिए वहां नहीं बुलाया गया, बल्कि नकुलनाथ जी का वहां भाषण हुआ। तो हो सकता है कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक दिग्विजय सिंह जी के साथ एक कहीं ना कहीं एक कुछ एक नेगेटिव फैक्टर ऐसा बीजेपी ने जोड़ दिया है जिससे कि उनको लगता शायद हो सकता हो इससे कुछ तो ये तो दूसरी तरफ तो वो तो बीजेपी की जो गेम है उसी बात को सब्सटेंशिएट करना नहीं हो गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो आफ्टरऑल कांग्रेस पार्टी के तो टॉल लीडर मध्य प्रदेश के हैं। बिल्कुल टॉल लीडर है कांग्रेस के, लेकिन शायद ज्यादा से ज्यादा समय वो प्रियंका गांधी को देना चाहते थे भाषण में और वही फेस जनता के सामने रखना चाहते थे जिससे कि वो जो 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 मैसेज देना चाहते हैं इसमें बेसिक मुद्दों का, जनता से जुड़े मुद्दों का, उसमें वो सफल हो पाए। अच्छा, फाइनल मेरा सवाल आपसे है कि जो 5 गारंटीज जो कांग्रेस पार्टी ने गिनाई, जिसमें ओपीएस की बात उन्होंने कही, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, 1500 रूपये हर महिला के खाते में, 500 रूपये का गैस सिलेंडर और पुराना जो कर्ज माफी था किसानों का उसको पूरा करेंगे, उसको क्या देखते हैं आपके? कुछ नयापन था उसमें? ये तो बातें पहले भी आ चुकी थी, कुछ नया तो कांग्रेस पार्टी अभी नहीं बता पाई है, कोई प्रॉमिस नहीं कर पाई है, अभी नया प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो जिनपे वो फोकस कर रही है, जैसे जो 1500 रूपये देना जी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि बिजली माफ, बिजली हाफ, सिलेंडर, तो ये तो जो लाडली बहना योजना जो भी उनकी फ्लैगशिप स्कीम है उसकी काट है। जैसे ही कांग्रेस ने पहले ये घोषणा करी थी उसके बाद ही फिर सरकार ने भी शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि हम 3000 रूपये देंगे, 250 रूपये बढ़ाएंगे, तो वो उसकी काट है। प्लस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा एक तबका है सरकारी कर्मचारियों का। ऐसे किसानों का उन्होंने बोला कि जैसे ही हम सरकार में आए तो हम उसको योजना को फिर से चालू करेंगे। तो है भले ये 5 चीजें उनकी गारंटीज, लेकिन बहुत अहम है और जो जो
जो हमारी जनता है उसके लगभग सभी पॉपुलेशन के जो धड़े हैं उनको वो टच करती है। तो बहुत अहम गारंटीज प्रियंका गांधी ने जो है उन पे थोड़ी सी रोशनी डाली, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जैसा कि बताया गया कि बहुत बड़े वर्ग को इम्पैक्ट करती है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो कांग्रेस शासित राज्यों में ऑलरेडी लागू है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में उसको ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक में उन्होंने महिलाओं को फ्री बस की सवारी प्रॉमिस की थी, उस योजना को शुरू कर दिया गया है। बोलने का मतलब ये था कि वो जो गारंटीज देते हैं उनको पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने गारंटीज दी हैं, उनका जो वादा किया, क्या वो सरकार आने पर पूरा करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो सरकार बनने के बाद की स्थिति है। अभी फिलहाल ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी के इस भाषण से कांग्रेस पार्टी को कितनी मदद मिलती है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, फिर कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।